नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म व्यू है क्या हो सकता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे के लिए व्यू क्या हो सकता है। इंट्राडे के लिए आपको कल के लिए जानने मिलेगा कि कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज का देख लेते हैं निफ्टी। तो देखिए, आज यहाँ पर एक जो कैंडल बना है ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। ये जो रेड कैंडल है इसको पूरी तरह से ये कैंडल इनगल्फ कर लिया है, क्योंकि ये जो विक्स है ये तो पहले से ही यहाँ पर जो वायर है वो इसको ऊपर ले जा चुका है। फिर यहाँ से ये वायर आया और इस पूरे कैंडल को इनगल्फ कर लिया। उसके बाद देखिए, कभी भी कोई भी 15 मिनट का कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और ये देखिए ऊपर चलता गया और यहाँ पर आकर के इस रेड कैंडल ने इस सारे कैंडल के लो को ब्रेक किया है। इस तरह से आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं किसी भी ट्रेंड को शुरू में पकड़ने के लिए। यहीं पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया, आप यहीं पर ट्रेंड को यहां से राइड कर सकते थे। अभी कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर यहां पर फ्लैट ओपनिंग होता है, देखिए गैप डाउन या गैप अप होने पर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। जैसे यहां पर बुलिश इनगल्फिंग लाया, यहां पर देखिए ओवरऑल ट्रेंड क्या रहा, हमारा बुलिश रहा। अब यहाँ पर कोई सपोर्ट बनाता इंट्राडे का, यहाँ पर हाइयर लेवल पे सपोर्ट बनाता, उस सपोर्ट को ब्रेक करता। जैसे यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम कल यहाँ पर सेल करेंगे। लेकिन कब, जब यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपन होने के बाद मतलब इस रेंज के ऊपर ओपन हो, थोड़ा सा यहाँ पर डाउन ओपन हो या यहाँ थोड़ा सा अप ओपन हो, अप ओपन होता है थोड़ा सा और इस रेसिस्टेंस लाइन को क्रॉस करता है जो कि 16,950, तो हम 17,000 के लेवल के लिए इसको बाय करेंगे। 17,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और वही फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 16,000 ये 870 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम 16,800 के लेवल के लिए इसको सेल करेंगे निफ्टी को। 16,800 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी, इसको देखिए जैसे आज क्रॉस किया तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुलिशनेस दिखाया और वहाँ से देखिए काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर क्लोज दिया है। 16,922 पॉइंट ऊपर है 16,800 के लेवल से। तो यहाँ पर इसको क्रॉस करता है तो 16,870 को, तो 16,800 के लेवल के हम सेल करेंगे। साथ ही साथ अगर 16,800 क्रॉस कर जाता है तो फिर ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, इस सपोर्ट तक आ सकता है जो कि है 16,750 तक का, और ये आज का भी इंट्राडे का सपोर्ट रीजन था। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लिए, 16,800 और 16,750। और रेसिस्टेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 17,000। अगर 16,950 के लिए निकालता है तो 17,000 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो और अगर इस बीच ट्रेड करता है 16,950 से 16,870 के बीच, तो यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट हमें देखने मिलेगा। जब मार्केट एक दिन ट्रेंडिंग मिले अगले दिन ज्यादातर संभावना है कि साइडवेज हमें देखने मिल सकता है। अभी की यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात करें, स्विंग ट्रेडिंग आपको स्टॉक स्पेसिफिक करना है। निफ्टी जो है काफी स्ट्रांग रूप से बुलिश है, तो देखिए जब बुलिश हो तो कोई भी रेसिस्टेंस काम नहीं करता, सारे रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ निफ्टी ऊपर जा सकता है। यहाँ पर 17,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना चाहिए तब जाकर ये और ज्यादा बुलिश होगा। 17,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये 17,400 17,500 तक के लेवल तक जा सकता है निफ्टी। वहीं अगर बात करें नीचे का तो ये बेरिश तब होगा जब ये 16,400 के लेवल को ब्रेक करेगा। अदरवाइज यहाँ पर निफ्टी अगर ये 17,000 और 16,400 के बीच रहता है तो ये साइडवेज होगा। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक आपको मोमेंटम देखने मिलेगा, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो निफ्टी जो है पोजिशनल बेसिस 17,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 17,400 से 17,500 तक जा सकता है। और वहीं अगर ये 16,400 के लेवल को क्रॉस करेगा तब हम इसमें बेरिश हो जाएंगे, तो फिर हमें यहाँ पर निफ्टी में एक गिरावट या इसके एक शॉर्ट फॉल देखने मिलेगा जब ये 16,400 के नीचे जाएगा। अदरवाइज निफ्टी यहाँ पर या तो साइडवेज होगा या तो बुलिश होगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था आगे के लिए, किस तरह से आप मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।